हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये हमारा कपड़ा है, मैंने कपड़े को पहले ही फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। देखिए, यहां पर लाइन खींच लेते हैं। हमारा शोल्डर है 6 इंच, टिक कर लेते हैं। हमारा आर्मोल है 5.5 इंच, टिक लगाकर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। लंबाई है 36 इंच, यहाँ हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं सिलाई के लिए। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हम सीना लेंगे 8 इंच, 1.5 इंच सिलाई के लिए लेते हैं। आधा इंच आगे बढ़ाते हुए आर्मोल को शेप दे देते हैं। कमर हम यहाँ से 14 इंच लंबाई पर लेते हैं, तो हमारा कमर है 7 इंच, 1.5 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। हिप हम यहाँ से 19 इंच पर लेते हैं, हमारा हिप है 8 इंच, 1 इंच हम सिलाई के लिए यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हम 10.5 इंच लेते हैं, 1 इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं। और इस तरह से सभी लाइन को मिला लेते हैं। शोल्डर यहाँ 2.5 इंच लेते हैं। यहाँ पर पीछे गला 0.5 इंच पर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम पीछे पल्ले में गले की कटिंग करते हैं। अब हम आगे वाले भाग में भी गले की लंबाई 3.5 इंच लेते हैं। और आर्मोल को शेप दे देते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। लंबाई है 14 इंच, 1.5 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। हमारा आर्मोल है 5.5 इंच और 3 इंच हम गहराई देते हैं। यहाँ से 3 इंच लेते हैं और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं।
और इसे शेप दे देते हैं। इधर से हम 5 इंच लेते हैं, 1.5 इंच हम सिलाई के लिए, और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और आस्तीन को इस तरह से शेप दे देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम कॉलर की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप कागज़ बकरम ले लीजिए इस तरह से। इसकी लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 4.25 इंच। इसे फोल्ड कर लेते हैं। हम यहाँ कॉलर की चौड़ाई 1.25 इंच लेते हैं इस तरह से, और इधर भी 1.25 इंच लेते हैं और इस तरह से शेप देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर ली है यहाँ पर, 8.25 इंच लेना है क्योंकि हमें 16.5 इंच का कॉलर बनाना है। जो बचा है उसे कट कर देते हैं और कट करते हुए इसे शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से कॉलर बनता है। इसे प्रेस की सहायता से हम कपड़े पर अब चिपका देते हैं। तो यहाँ हमने चिपका लिया है प्रेस करके। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे कपड़े पर इस तरह से रख लेते हैं और निशान लगा लेते हैं। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले इस तरह से सिलाई कर ले आराम से। अब इसे दूसरे वाले कपड़े में रखकर इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसके बीच बीच में कट कर लेते हैं ताकि जब हम इसे मोड़े तो ये आसानी से मुड़ सके। अब हम इसे इस तरह से मोड़ लेते हैं। इसे प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक सके। तो ये हमने कर लिया है। अब हम इसके ऊपर की तरफ सिलाई कर लेते हैं। हमें इसे कॉलर वाली कुर्ती बनानी है तो सामने हमें कांच बटन या हुक लगाना है। तो हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। लंबाई हमें 8 इंच लेना है। बिल्कुल सेंटर से कट ना करें।
हमें जिस तरफ बटन लगाना है उधर हल्का सा बढ़ाते हुए आप इसे कट कर लें। अब कपड़े को उल्टा कर लें इस तरह से, पट्टी ले लें इस तरह से और सिलाई कर लेते हैं। अब सीधा करके इस तरह से सिलाई कर लें। अब हम इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। अब इस तरफ की भी हम सिलाई करते हैं। इस वाले कपड़े को भी उल्टा कर लें और सिलाई कर लें। एक बार फोल्ड करके हम इसे सिलाई कर लेते हैं। अब सीधा करके दूसरी तरफ भी हम सिलाई कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है हम इसे कट कर लेते हैं, इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसमें कॉलर अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन की सिलाई करते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए आप सिलाई कर लें नीचे की तरफ। अब हम आस्तीन को अटैच करते हैं कुर्ती पे। तो देखिए इस तरह से हम सेंटर वाले भाग पर रख के अटैच करते हैं। आप दूसरे वाले भाग की भी इसी तरह सिलाई कर लें। तो यहाँ पर हमने दोनों आस्तीन अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सीना है 32 इंच, जिसका आधा होता है 16 इंच, और हमारा कमर है 28 इंच, लेकिन हम यहाँ 15 ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारी मोहरी है 5 इंच। तो इस तरह से हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फिटिंग कर ली है सूट की, कुर्ती की। अब हम नीचे की तरफ सिलाई करते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से सिलाई करिए। तो ये चारों तरफ से हमने सिलाई कर ली है। यहाँ पे हमारा कॉलर वाला कुर्ती बनके कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।